बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में जहां शोएब मलिक का रन आउट मौजूदे बहस रहा, वहीं हसन अली की 219 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की कराई गई गेंद ने भी मतदाताओं की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी है और कहा गया है कि उन्होंने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तफसीलात के मुताबिक समाजी रब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैथ्यू वेट का कैच छोड़ने वाले हसन अली ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले टी20 मैच में 3 विकेट हासिल करके बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड पाकर जबरदस्त कमबैक किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में दो ऐसे वाकियात थे जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिनमें एक शोएब मलिक का मुजहका खैज अंदाज में रन आउट हुआ, जबकि दूसरा हसन अली की 219 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कराई गई गेंद थी। हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग के दौरान गेंदबाजी की रफ्तार को मापने वाली टेक्नोलॉजी में खराबी के बाइस हसन अली की कराई गेंद की रफ्तार 219 किलोमीटर फी घंटे नोट की गई, जबकि स्पिनर मोहम्मद नवाज की 1 घंटा 145.6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नोट की गई। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।